नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? रोज पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? क्योंकि आपने बताया नहीं मुझे, दो चार रोज से किसी के फोन भी नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आप पढ़ाई में कोताही कर रहे हो। हम पढ़ रहे थे काल, और काल में हमने पढ़ लिया था भूतकाल। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है बेटा? कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है, या वाक्य में क्रिया के वर्तमान समय, चल रहे समय में होने का बोध होता है, वह वर्तमान काल कहलाता है। आज वर्तमान है, कल जो बीत गया वो भूत है, आने वाला कल भविष्य है। तो क्रिया में, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, वह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के लक्षण जो है क्रिया के वर्तमान काल का कैसे पता चलता है? तो इसमें रहा है, रही है, वाक्य के अंत में, कि सामान्य वर्तमान काल जो होता है कि क्रिया के जिस रूप से व्यापार के सामान्य रूप वर्तमान काल में होने का बोध होता है, वह सामान्य वर्तमान काल होता है बेटा। सामान्य वर्तमान काल इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, बच्चे खेलते हैं, मोहन खाना खाता है, सीता गाना गाती है, तो ता है, ते है, ती है शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है आदि चिन्ह आते हैं, तो उसको समझा जाता है कि वह सामान्य वर्तमान काल है। सीता गाना गाती है, जहां की है वो गाना गाती। दूसरा कि जहां ता है, ती है, ते है, ता है, ती है और ते है, भूत का बहुवचन के साथ आता है, बच्चे खेलते हैं, पुरुष के साथ आता है, मोहन खाना खाता है, सीता दाना गाती है, तो ता है, ती है, ते है, जहां होता है वो सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा एक होता है आपका संभाव,
कि वर्तमान काल की संभावना होती है वहां, संभाव्य वर्तमान काल जिसको संदिग्ध वर्तमान काल भी कहते हैं हम, बताया ना इंडेफिनेट। एक होता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, तो हम चर्चा करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल शंका होती है इसमें कि क्रिया वर्तमान में हो रही है क्या, संदिग्ध वर्तमान काल है कि क्रिया के किस रूप से उसके व्यापार का वर्तमान में होने पर संदेह होता है, वहां संदिग्ध वर्तमान काल है। अब उसमें तो सामान्यता है कि ये हो रहा भाई वर्तमान है, लेकिन यहां संदिग्ध है, संदेह हो रहा है कि ये पहले पूरी तो नहीं हो चुकी या अब हो रही है। तो वहां जैसे राम पढ़ रहा होगा, अब राम ने पढ़ाई तो पहले ही स्टार्ट कर दी थी, राम पढ़ रहा होगा। अब याद रखिए कि राम ने पढ़ना शुरू कब कर दिया, पहले ही शुरू कर दिया। अब वो पढ़ रहा होगा, पता नहीं उसने बंद कर दिया तो फिर वो कहां चला गया कि राम पढ़ रहा था में हो जाएगा, लेकिन रहा होगा, पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है तो सामान्य में चली जाएगी, लेकिन भूत में भी क्योंकि शुरू किया इसने, पढ़ना पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन यहां पढ़ रहा होगा। होगा जहां होता है, शायद जहां होता है, वहां संदिग्ध हो जाता है। तो इसलिए जहां पर होगा, होगी, होंगे, रहा होंगी, रहे होंगे, हाँ रही होंगी, आता है वहां संदिग्ध वर्तमान होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहां होता है आपका संदिग्ध वर्तमान। अब एक होता है बेटा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण पूर्ण नहीं है अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से उसके व्यापार के समय के अपूर्ण रहने का बोध होता है, मतलब क्रिया पूरी नहीं होती है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लता गीत गा रही है, ये सामान्य के समकक्ष ही है, गीत गा रही है, क्रिया शुरू कर दी उसने, क्रिया शुरू कर दी, लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। पूर्ण हो जाती तो वो भूतकाल में चली जाती बेटा, गा रही है तो यहां रही है, रहे हैं और रहा, कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना बेटा, हाँ रहे हैं रहा, हाँ। और अपूर्ण हो गया, सामान्य हो गया, संदिग्ध हो गया। एक होता आज्ञात, आज्ञात वर्तमान, आज्ञात में किसी को आज्ञा दी जाती है,
तुम पढ़ो, तुम जाओ। आज्ञा दी जाती है कि आप भी पढ़िए, आप जाइए, आप आइए। इसमें आज्ञा होती है और जहां आज्ञा सूचक होती है, जाइए, आइए, पढ़ो, खेलो, हाँ, आज्ञा सूचक शब्द होता है ना, वहां अज्ञात वर्तमान काल होता है। क्या वहां अज्ञात वर्तमान काल है? तो यह हुआ आपका वर्तमान काल अपूर्ण कंटिन्यूअस हो रहा, काम स्टार्ट हो गया, पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान में स्टार्ट हो रहा है। सामान्य वर्तमान कि वो ये काम कर रही है, ती है, ते है, रहा है, होगा शायद, और अज्ञात, ये हुआ आपका वर्तमान। तो भूतकाल वर्तमान का, उसमें था, थी, थे, रहे थे, रही थी, रहा था, हाँ, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ती है, ते हैं, ता, ये हुआ आपका वर्तमान। अब अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे भविष्य का। थैंक यू।